उन्होंने बुजुर्ग का मुकाशफा लिखा है। उन्होंने लिखा है कि एक बुजुर्ग एक कब्रिस्तान से गुजर रहे थे। उन बुजुर्ग ने देखा कि तमाम कब्रिस्तान के मुर्दे कब्रों से निकल करके और पूरे कब्रिस्तान में मोती की तरह कुछ चीजें पड़ी हुई हैं, वो उनको चुन रहे हैं, उनको उठा रहे हैं। और एक साहिब को देखा, ये खास तौर से ये जो वाक्य मैं सुना रहा हूँ उन लोगों के लिए कि जिनके बच्चे हाफिज कुरान बने या आगे चल करके जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, कि वो चुन रहे हैं। और एक साहिब को देखा कि वो एक कब्र की टेक लगाकर सुकून के साथ बैठे हुए हैं, वो उनके साथ वो मोती उठाने में मोती चुनने में शरीक नहीं। वो बुजुर्ग उनके पास पहुंचे और मालूम किया कि ये सब क्या उठा रहे हैं और तुम इस तरीके से बड़े सुकून के साथ क्यों बैठे हो, तुम इनके साथ शरीक क्यों नहीं। वो कहने लगे कि मुसलमान तो मुख्तलिफ इसारे सवाब करते हैं और नेकियां पहुंचाते हैं, ये इस शक्ल में हमें मिलती है और हम इस शक्ल में उनको उठा लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप इस तरह क्यों बैठे हो। कहने लगे कि मेरा बेटा हाफिज कुरान है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये नेकियां उठाने की जरूरत पेश नहीं आती, इसलिए कि वो रोजाना मुझे एक कुरान पढ़ करके सवाब पहुंचाता है, पूरा एक कुरान पढ़ करके मुझे सवाब पहुंचाता है। पूछा कि तुम्हारा बेटा कहाँ रहता है, बताया कि फुला बाजार में उसके हलवे की दुकान है और वहां वो हलवे की दुकान पर बैठता है। सुबह हुई, वो बुजुर्ग उस बाजार में पहुंचे तो देखा कि वाकई हलवे की दुकान है उस बाजार में और एक नौजवान बड़ा खूबसूरत हसीन और जमील हलवा भी फरोख्त कर रहा है, ग्राहकों से पैसे भी ले रहा है और वजन करके हलवा भी दे रहा है, लेकिन उसके जो डब है उसके जो होंठ है वो जुम्बिश है, वो हिल रहे। मालूम किया ए नौजवान तुम्हारे जो होंठ है क्यों हिल रहे। कहने लगा कि मेरे वालिद का जब से इंतकाल हुआ मैं सुबह से लेकर के शाम तक अल्हम्दुलिल्लाह ईशा के बाद तक ये कुरान खत्म करके उनको रोजाना सवाब पहुंचाता हूँ, रोजाना में ही सारे सवाब करता हूँ, इसलिए मैं अपना काम भी करता रहता हूँ, चूंकि हाफिज हूँ इसलिए कुरान भी पढ़ता रहता हूँ। कुछ दिन गुजरे, कुछ साल गुजरे, उन बुजुर्ग का फिर उसी कब्रिस्तान से गुजर हुआ। देखा कि इस मरतबा भी इसी तरीके से मुर्दे अपने कब्रों से निकल करके मोतियां चुन रहे हैं और नेकियां उठा रहे हैं। और वो बुजुर्ग वो शख्स भी कि जो पहली दफा बैठा हुआ था, इस मरतबा वो भी उनके साथ शरीक है, तो उसी के पास पहुंचे और कहने लगे कि गुज़िश्ता मरतबा हमने आपको देखा था कि आप टेक लगाए बड़ी शान के साथ बैठे थे, लेकिन इस मरतबा मैं देख रहा हूँ कि आप भी उनके साथ मोती चुन रहे हैं, नेकियां उठा रहे हैं। वो कहने लगे कि मेरा वो बेटा जो मेरे लिए रोजाना कुरान करीम पढ़ करके पहुंचाता था उसका इंतकाल हो गया और उसके इंतकाल की वजह से अब मैं भी मोहताज हूँ इन नेकियों को उठाने का। जब तक मेरा बेटा जिंदा और हयात रहा तब तक मुझे इनकी जरूरत पेश नहीं आई और जब से उसका इंतकाल हुआ तब से मैं ये मोतियां उठाना शुरू कर दिया। तो जो भी बच्चा कुरान करीम की तिलावत करेगा, चाहे वो अपना सबक याद करने के लिए, अपना पारा सुनाने के लिए या तरावी में कुरान करीम सुनाने के लिए, इसका मुकम्मल सवाब वालिदैन के रूप में पहुंचता है।